नशे पर नकेल कसने के लिए जिला पुलिस अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है। पुलिस अपनी दो इकाइयों SIU और CID के साथ मिलकर नशे को जड़ से खत्म करने का पुरजोर प्रयास कर रही है, जिसमें आए दिन वह नशे के सौदागरों को हवालात की हवा खिला रही है। पहले तो पुलिस के हाथ छोटी मछलियां ही लग रही थी, लेकिन अब बड़ी मछलियां भी पुलिस की जाल में फंसने लगी हैं। आज भी पुलिस ने परमाणु से चिट्टे के सौदागर से नशे की खेप बरामद की है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अधिक जानकारी देते हुए ASP शिव कुमार शर्मा ने पुलिस नशा माफिया की हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखी है और गुप्तचरों को सोलन के चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है, और जैसे ही कोई सुराग पुलिस के हाथ लगता है वो पूरी कोशिश कर जाल बिछाकर नशा माफिया से जुड़े कारोबारियों को सलाखों के पीछे पहुंचा रहे हैं। आज भी परमाणु से नशे का कारोबार करने वाले दो युवाओं अनमोल और गुंजन को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 10.96 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। नशे के खिलाफ हम लोग, जैसा मैंने पहले भी बताया, 3-way स्ट्रेटजी हमारी चल रही है, जिसपे अवेयरनेस और डिटेक्शन और डी एडिक्शन है। इसमें डिटेक्शन वाला जो पार्ट है, इसी कड़ी में पिछले कल परवानों में रात को नाके के दौरान, इनफैक्ट ये आज मॉर्निंग की बात है, पिछली रात की बात है, लगभग 5:45 बजे हमारी जो टीम है उसने नाका लगाया हुआ था, तो वहाँ पे एक गाड़ी आई, I-10 DL नंबर की गाड़ी है ये, और इसको जब चेकिंग के लिए रोका गया, इसको तलाशी ली गई गाड़ी की, तो इसमें से 10.96 ग्राम हेरोइन रिकवर हुई है। और इसमें दो लड़के बैठे हुए थे जिनका नाम है अनमोल ठाकुर, जो कि परवानों का ही रहने वाला है, और गुंजन प्रथू, वो भी सेक्टर 4 परवानों का रहने वाला है। इन दोनों व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और NDPS के एक्ट के तहत केस दर्ज करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है।